Welcome friends, let us continue our derivative discussion. Last lecture हमने बहुत ही important basic बातें chapter के related 11th के related specially हमने देखी और मैंने जो भी standard function के derivatives किस तरह से हम निकालते हैं उसका भी discussion लिया. पहले तो मैंने डेरिवेटिव क्या है उसके बारे में बेसिक आइडिया दे दी वापस से आपको, उसके एग्जांपल की चर्चा की. डेरिवेटिव के रिलेटेड जो नोटेशंस हम यूज कर रहे हैं दैट नोटेशन वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी यूज टू राइट व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिफरेंशिएट करना मतलब डेरिवेटिव जो फाइंड करना है उसमें नॉर्मली हम वाई का डेरिवेटिव निकालते विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. दैट वे वी हैव टेकन मेनी सच एग्जांपल ऑन दैट पर्टिकुलर जनरल नोटेशन एक्स और वाई के आधार पे. चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, चेंज इन रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड. एंड व्हेन यू से चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस दैट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल डिमांड. और फॉर द सेम मार्जिनल वर्ड कॉस्ट के लिए भी लागू कर सकते हैं. व्हेन देयर इज अ चेंज इन द कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम द एडिशनल, द मार्जिनल मतलब एडिशनल चेंज इन दैट पर्टिकुलर कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड व्हिच इज आल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्ट एटसेट्रा. दीज आर सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन. डेरिवेटिव के कॉन्टेक्स्ट से हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं ये आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस किया. देन लास्ट में मैंने कंक्लूड किया कि जब भी किसी भी मार्जिनल फंक्शन को हम फाइंड करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं. मार्जिनल इज नॉट ओनली फॉर दिस डिमांड कॉस्ट एक्सेट्रा. मार्जिनल फंक्शन और भी बहुत सारे कुछ क्राइटेरिया के लिए हम यूज करते हैं लेकिन जब भी मार्जिनल की बात आती है जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव हाउ टू वी राइट एंड हाउ टू ऑब्टेन दैट वे वी हैव टू कंसीडर दिस स्टैंडर्ड फंक्शंस. और जैसे हमको डेरिवेटिव फाइंड करने की जब बात आती है तो बेसिक जितने भी फंक्शंस हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, एल्जीब्रिक फंक्शन, एल्जीब्रिक फंक्शन में भी जो कैटेगरी है एक्स रेस टू एन के आधार पे वो तीनों तीन उसके नीचे देखो मैंने मार्किंग की थी कि भाई थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो भी हमने एग्जांपल के तौर पे देखा क्योंकि वो सेकंड एक्स रेस टू एन एल्जीब्रिक फंक्शन के बेसिस पे ही उसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं. बिकॉज द लॉजिक सेज दैट एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या निकलेगा तो कि एन पावर जो है वो नीचे आएगा बेस में और एक्स के पावर में एन माइनस वन हो जाएगा. इन द सेम वे वन अपॉन एक्स, रूट एक्स और फिफ्थ में मैंने लिया है सिर्फ एक्स, ये तीनों तीन का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन के बेसिस पे निकलता है. दैट वी हैव सीन, मैंने साइड में आपको उसका डेरिवेटिव निकाल के एक्सप्लेनेशन भी दिया था. सो दैट यू विल कम टू नो दैट अगेन कि ये बात आपको वापस से रिमाइंड हो जानी चाहिए. और ये तीन को हम इसलिए भी याद डायरेक्टली रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये रिकरिंगली इन लोग जो भी क्वेश्चन रहता है इसमें ये सब फंक्शन का यूज ज्यादातर करके उन लोग करते हैं एंड देयरफॉर डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है इफ यू प्रॉपरली रिमेम्बर. और उसके बाद हमने दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है और फाइनली लॉगरिथमिक फंक्शन जो है तो उसके सबके ये स्टैंडर्ड जो फंक्शन है इसके डेरिवेटिव का आपको हिसाब किताब ध्यान में रखना है, ये याद रखना जरूरी है. और लास्टली मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल को थोड़ा आपके सामने रिवाइज किया जो कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल अभी आपके लिए वापस ट्वेल्थ के लिए आपके लिए कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इलेवेंथ में इनिशियली आपने देखा कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे भी किस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते थे. तो मैंने एक आध एग्जाम्पल लिया और आपके सामने फर्स्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे जो लिमिट के कंसेप्ट के ऊपर आधार रखता है विद दैट वी हैव सॉल्व एंड हमने उसका डेरिवेटिव निकाला जो डायरेक्टली भी आप उसका डेरिवेटिव निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं. और डेरिवेटिव निकालने के लिए आगे हम
जो नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले 11 की एक और बात जो मुझे यहाँ आपको रिवाइज करानी है, विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. सो आज का लेक्चर मैं यहाँ शुरू करता हूँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन. सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन की जब हम बात करते हैं तो हमें किस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन में किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, डेरिवेटिव का जो फाइंड करने का जो हमारा तरीका है, तो उसकी हम बात करते हैं रूल्स का मतलब. और खास करके हमने रूल्स को समझने के लिए हम एग्जांपल के तौर पे यू और वी ऐसे दो फंक्शन ले लेते हैं, जिसको हम खाली एग्जांपल के ये रूल को समझने के लिए यू एंड वी आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होता है फाइंड आउट हो सकता है, ऐसे दो फंक्शन है. डिफरेंशिएबल मतलब क्या, जिसके हमको डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं. सो दैट पर्टिकुलर फंक्शंस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स यू नो व्हिच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो यू को भी एक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ ऐसा एक फंक्शन है, और वी को भी एक्स के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है ऐसा एक फंक्शन है. सो यू एंड वी बोथ आर फंक्शन व्हिच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड बोथ आर डिफरेंशिएबल. अच्छा, समझ लो आपको y एक फंक्शन दिया है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है u और v के मदद से, और v और u जो है ये दोनों एक्सप्रेस हुए x के टर्म में. तो दोनों फंक्शन u और v उसके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मतलब प्लस माइनस का जो रिलेशन है. तो जब आप y का डेरिवेटिव निकालते हैं तो सीधी सी बात है, व्हेन यू डिफरेंशिएट y के जगह पे आप लिखेंगे dy by dx, बिकॉज़ y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है x के सामने, राइट हैंड साइड में x किस तरह से आया है, तो कि u को भी x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है और v को भी x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है. तो x इज देयर इन दैट u एंड v, ये आप समझ के चलिए. तो अब राइट हैंड साइड में जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो u का भी डेरिवेटिव निकलेगा और v का भी डेरिवेटिव निकलेगा, बीच में प्लस माइनस एज इट इज. तो u का डेरिवेटिव वी विथ रिस्पेक्ट टू x और v का डेरिवेटिव वी विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसमें एक स्टेप लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं du अपॉन dx प्लस और माइनस dv अपॉन dx. और ये आप ऐसे अलग अलग भी दिखा सकते हैं, d by dx ऑफ u प्लस और माइनस d by dx ऑफ v, खत्म. You can show like this. Understanding clear रखना है बस. Next is, अच्छा plus और minus दोनों एक साथ लिखा, इसका मतलब ये नहीं दोनों एक साथ, कभी plus भी हो सकता है कभी minus भी हो सकता है. और दूसरी बात, u और v दो ही function होंगे ऐसा नहीं है, u v w ऐसा आगे बहुत सारे terms add subtract के format में हो सकते हैं, सिद्ध जरूरी नहीं दो ही है. यहाँ तो दो मैंने खाली समझने के लिए example के तौर पे ये rules कैसे हम follow करते हैं derivative निकालने के system में उसके बारे में जानकारी लेने के लिए अभी फिलहाल मैंने दो लिया, बाकी दो से ज्यादा हो सकते हैं ना भाई, समझ में आ रहा है. सो नेक्स्ट सेकंड वन, इफ y इज अ गिवन फंक्शन दैट y इज इक्वल्स टू k इनटू u. नाउ u इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड k इज अ कोएफिशिएंट, k इज अ कांस्टेंट बट इट इज इन मल्टीप्लिकेशन रिलेशन एट प्रेजेंट विद u, देयरफॉर k इज कोएफिशिएंट ऑफ. So I can say k is coefficient of u. K is a coefficient of u. अब जब भी derivative निकलता है students, तो जो coefficient constant है, that is a constant coefficient rather than just you say coefficient, constant coefficient. Constant coefficient जो है k u के साथ, वो k बाहर निकल जाएगा, बिकॉज दिस कोएफिशिएंट उसका हमको डेरिवेटिव निकालना होता नहीं है. सो के विल बी आउटसाइड, मतलब के का हमें डेरिवेटिव निकालना होता नहीं, के विल रिमेन एज इट इज. और जाके अंदर यू का डेरिवेटिव निकलेगा एज आई हैव शोन डी बाय डीएक्स ऑफ यू. तो मतलब डेरिवेटिव निकला किसका, मेन यू का, के कोएफिशिएंट विल रिमेन एज इट इज, कोएफिशिएंट विल रिमेन एज इट इज. सो ये हो गया. इस तरह के पैटर्न में जब आपको कभी एक्सप्रेशन मिलेगा, देन दिस वे यू आर गोइंग टू अप्लाई द रूल
for finding derivatives. Next one, third is very important, जिसका अपन ज्यादा करके यूज किया हुआ है 11th वगैरह में, y is equal to u into v. This we can say product rule or u into v rule. U into v rule, ध्यान रखो ये सबको आना ही है, बहुत important है, बार बार इसका कहाँ ना कहाँ इस्तेमाल आपको देखने मिल सकता है. तो बेसिक u into v rule क्या बोलता है, समझ लो, there are two functions u and v which are in the relation of multiplication. Y is equal to u into v. तो ये जो है u मेरा पहला फंक्शन है, v जो है मेरा दूसरा फंक्शन है. आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, या u v सेपरेटली आप बोल ही रहे हो उसको नाम, u पहला है v दूसरा है, ऑर्डर अपने आप समझ में आ जाता है. सो u एज इट इज, अभी देखो को डेरिवेटिव का मैं ना जो रूल मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, डेरिवेटिव जब हम निकालना शुरू करते हैं y के जगह पे तो dy by dx. अब राइट हैंड साइड में मेन उसका रूल किस तरह से हम एक्सपांड कर रहे हैं ध्यान दीजिए. u as it is, the first function as it is, derivative of v, मतलब कि derivative of second function d by dx of v, देखो लिखा है, plus second function as it is, क्योंकि already second का पहला मैंने derivative निकाल लिया है, तो second अभी next as it is रहेगा, plus के बाद, plus आएगा बीच में, into derivative of u. तो अब दूसरी दफे जो derivative निकलेगा वो पहले फंक्शन का निकलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज स्टार्ट किया था ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. और यू मे से लाइक दिस, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू. ये आपको रूल बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है. अच्छा, इसी के बेसिस पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं कभी भी, आपको तीन ऐसे फंक्शन भी मल्टीप्लिकेशन में दे सकते हैं, जैसे यहाँ आपके सामने है y is equals to u into v into w, इसको भी हम प्रोडक्ट रूल ही बोलेंगे, u v w रूल बोलेंगे. इसमें तीन फंक्शन एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, whereas in earlier case it was only two functions u and v. तो अब यहाँ जिस प्रकार से हमने ऊपर का रूल एक्सपांड किया उसी तरह से कुछ हमको आगे बढ़ना है, लेकिन थोड़ा हमें इसमें ज्यादा टर्म्स ध्यान में लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें टोटल तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है. तो स्टूडेंट ध्यान रखो, आप किसी कैसे भी आप इसको एक्सपांड करो, आपके सामने ये एक लॉजिक आपको याद रखना है कि भाई पहले कोई भी दो फंक्शन एज इट इज रखो और तीसरे का आप डेरिवेटिव लो, नेक्स्ट दूसरे दो फंक्शन को एज इट इज रखो और जो रहा तीसरा उसका डेरिवेटिव लो, और नेक्स्ट और दूसरे दो फंक्शन को एज इट इज रखो और तीसरे को डेरिवेटिव निकालो, मतलब टोटल तीन ही फंक्शन है यू वी डब्ल्यू. समझ लो मैंने पहले यहाँ यू वी को एज इट इज रखा है, देख रहे हैं आप लोग यू वी एज इट इज रखा हुआ है, तो डब्ल्यू का डेरिवेटिव निकलेगा, तीसरे का डेरिवेटिव निकलना है, तो डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू. अब और दो कौन से एज इट इज रहने बाकी रहते हैं, जैसे कि तो कि यू और वी तो रह गए पहले में एज इट इज, अब आप वी और डब्ल्यू को एज इट इज रखो, तो v और w as it is रहा, तो बचा कौन, u, तो derivative of u. अब as it is रखने वाले दो function का combination और कौन सा बनता है, तो u भी आ गया, v w आ गया, अच्छा u w बाकी है, ये u w as it is, तो बचा कौन तीसरा, तो के v, उसका derivative निकलेगा. so दो कोई भी as it is रहे तीसरे का derivative. अब ये बारी बारी से आप इसको अलग अलग combination में लेते जाओ, तीन के कॉन्टेक्स्ट में तीन फंक्शन है यू वी डब्ल्यू के हिसाब से, तो आपको इस तरह से तीन टर्म्स मिलने हैं. सो यू वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस यू डब्ल्यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, इसको हम बोलते हैं यू वी डब्ल्यू रूल. अब आप चिंता नहीं करने का, कोई भी टर्म पहले बाद में हो गया उससे आप लोगों को चिंता करने का नहीं, क्योंकि तीनों टर्म एड है, एड हुए हैं, देख लो एक दूसरे से. सो फर्स्ट टर्म कौन सा होना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तीनों होने हैं, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ये था यूवीडब्ल्यू, स्पेसिफिकली यूवीडब्ल्यू के नेचर के क्वेश्चंस को हमने इस रूल से करने हैं, ये ध्यान रखना है. ये मतलब कहाँ ना कहाँ अपने को काम में आ सकता है, इट इज नॉट लाइक दैट कि भाई इलेवन का ये रूल की बात जो मैं अभी निकाल रहा हूँ आपके सामने, ये बाद में आपको अभी के नए कंसेप्ट में ट्वेल्थ के रिलेटेड कंसेप्ट में वापस से काम में नहीं आएंगे, ये वापस काम में आ सकते हैं.
आएंगे, इसलिए अपने को ध्यान में रखने हैं वापस, इसलिए तो मैं रिवाइज कर रहा हूं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट, ये भी हमने देखा, इसका भी काफी यूज हुआ है, जैसे कि कभी क्वेश्चन यू अपॉन वी के रूल में पैटर्न में दिए हैं, मतलब यू अपॉन वी क्वेश्चन रूल जिसको हम बोलते हैं, या आप यू बाय वी रूल भी बोल सकते हैं। तो यू अपॉन वी में क्या है, एक न्यूमरेटर में है यू और वी डिनोमिनेटर में है, तो अब यहाँ उल्टा है, जैसे यू इंटू वी के रूल में यू से स्टार्ट हुआ, यहाँ वी से स्टार्ट करने का। सो वी एज इट इज, एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, अब बीच में प्लस के जगह माइनस करने का, यू अपॉन वी रूल में बीच में क्या आएगा, माइनस, तो अब आएगा यू एज इट इज और फिर आएगा डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ वी। अब खास ध्यान रखो, माइनस के बाद ये जितना भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है मैंने ब्रैकेट किया है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज व्हेन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट विल बी एक्सपांडेड, ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर से साइन सबकी क्या होगा, ये चेंज होनी है क्योंकि बार माइनस है, इसलिए ये याद रहे कि साइन चेंज करनी है, बार माइनस है इसलिए ब्रैकेट करके रखा है, ताकि ये हमको रिमाइंड करता है कि हमको अंदर के एक्सप्रेशन की साइन क्या करनी है, चेंज करनी है व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट। और पूरे के अपॉन में वी स्क्वायर जाएगा, देख लो स्टूडेंट। सो क्या रूल बन गया, वी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस u as it is into derivative of v. This is quotient rule, or you can say u by v rule. Students, इतना जो पार्ट हमने रूल्स के बारे में देखा, ये वापस से आपको काम में आने वाला, मैंने बोला, प्लस इसका इंपॉर्टेंस भले डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली होना है, क्योंकि अब हमको कुछ नए कंसेप्ट डेरिवेटिव के स्टडी करने हैं, जिसमें हो सकता है बीच बीच में कहाँ ये सब की हमें जरूरत पड़ जाती है, तो ये रूल्स हमें भूलना नहीं है, ये कहाँ ना कहाँ हमको जरूर पढ़ते रहेगा। नाउ कमिंग टू द 12th स्टैंडर्ड पार्ट, नाउ आई वुड लाइक टू बिगिन द पार्ट। लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एक स्पेशल टेक्निक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, डेरिवेटिव निकालने का एक पर्टिकुलर टेक्निक है, जिसके मदद से हम डेरिवेटिव का प्रोसेस कंप्लीटली फॉलो करके लेते हैं, और उस टेक्निक के द्वारा हम डेरिवेटिव फंक्शन का निकालते हैं। मतलब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसका डेरिवेटिव निकालना कभी मुश्किल हो जाता है, डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, नहीं निकल पाता, उस समय हम लॉगरिथम कंसेप्ट का उपयोग करके आगे उसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, और वो लॉगरिथम कंसेप्ट को हम जब उपयोग में लेके डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो आसानी से डेरिवेटिव निकाल जाता है, जिसको हमने बोला कि जो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल नहीं सकता, उस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, उस स्पेसिफिक टेक्निक है, एक स्पेशल टेक्निक है, कुछ ऐसे ही सिचुएशन है जिसके अंदर ही हम लॉगरिथम का उसमें उपयोग कर सकते हैं। हम बातें करेंगे डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ कंसेप्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले तो हम जानेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन किसको मानते हैं, किस तरह के फंक्शन का हम इम्प्लिसिट फंक्शन में उसको गिनते हैं, और उस तरह से उसकी अलग से हम डेरिवेटिव की भी बातें करेंगे। एंड द फाइनल पार्ट, दिस पर्टिकुलर फाइनल कंसेप्ट इज रिगार्डिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये भी जानना है हमको कि भी ये पैरामेट्रिक फंक्शन है क्या,
और उसके बारे में जानकारी लेने के बाद फिर हमारे डेरिवेटिव के बारे में समझना है कि हाउ डू वी फाइंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स ऐसा है, ये अलग अलग सिचुएशन के आधार पे डेरिवेटिव निकालने की जो बातें हम कर रहे हैं और उसी के द्वारा डेरिवेटिव निकालने की जो टेक्निक है उसका हमें वाइड एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जैसे आप कैटेगरी बना लेते हो ना तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव निकालने के तरीके भी जनरेट होते हैं। कि आप कंपोजिट फंक्शन की बात करते हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने का एक तरीका बन जाता है। व्हेन यू टॉक अबाउट इनवर्स फंक्शन, एट दैट टाइम हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, उसका एक लॉजिक, उसका एक तरीका अलग बन जाता है। व्हेन यू से इन द लॉगरिथमिक फंक्शन जो है डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं तो वो एक अलग हमारे सामने एक टेक्निक बन जाती है। जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी जब हम बना लेते हैं ना तो उसके आधार पे डेरिवेटिव की भी बातें हमें अलग ढंग से सामने रखनी पड़ती है। अल्टीमेटली तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, मगर उसके हिसाब से फाइंड करना है, जिस तरह का वो फंक्शन है, जिस तरह से उसका हमें टेक्निक का इस्तेमाल करके लेना है, उस हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड होगा। सबके लिए एक ही, जिसको बोलते हैं ना, सुर में धुन नहीं बजती है, एक ही सुर में गाना नहीं बजेगा। जैसी सिचुएशन होती है वैसा हम गाना बजाते हैं। जैसे शादी के माहौल का गाना अलग बन जाता है ना, कुछ सेलिब्रेशन है, बर्थडे वगैरह का माहौल है तो उसमें गाना अलग धुन का बजता है। कुछ सैड इंसिडेंट हुआ है तो उसके भी लिए अलग धुन बजती है। तो ये जिस प्रकार की, मतलब कि हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार का फंक्शन होगा उस हिसाब से डेरिवेटिव का उस तरह से टेक्निक इस्तेमाल किया जाए। सो हमें पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन किस तरह का हम बात कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या है वो, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, पैरामीटर, पहले वो समझेंगे। फंक्शन को भी ध्यान में लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो भी पूछेंगे उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शन है, और जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके आधार पे आप फिर नक्की करोगे कि इसका डेरिवेटिव आगे कैसे हम निकालेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द फंक्शन, देन ओनली यू कैन अप्लाई द मेथड एंड द टेक्निक ऑफ दैट डेरिवेटिव, जिस तरह से हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। Now, this much part is about, मैंने various आपको function के आधार पे मैंने ये bifurcation बताया है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और आप समझ लेना एक 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 के बारे में अलग से उन्होंने ये exercise बनाई होगी कि भाई एक exercise तो के उस type के question की composite function के derivative निकालने के बारे में, एक exercise inverse function के बारे में, एक exercise logarithmic function के हिसाब से। तो हम जब ये कैटेगरी को डिवाइड करते हैं तो उस तरह से हम ये टेक्निक को भी समझते हैं डेरिवेटिव निकालने के। डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन का हम दूसरे भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं दूसरे भाषा में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दैट यू गोइंग राइट। अल्टरनेटिवली वी आल्सो सेज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एंड वन लास्ट एज अ कंक्लूजन, देयर इज वन एडिशनल पार्ट दे हैव केप्ट एज I can say second order derivative. बस second order का मतलब है कि जब हम derivative निकाल लेते हैं उसके बाद दोबारा उसका derivative निकालेंगे तो वो हो गया second order derivative। जब हम first time derivative निकालते हैं तो उसको बोलते हैं first order derivative।
और जब हम दूसरी उसी का डेरिवेटिव वापस से निकालते हैं दोबारा, तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, दिस मच सिलेबस 12th रिलेटेड वी हैव टू कमेंस, जिसके लिए मैंने 11th का पूरा प्रॉपर रिवीजन आपके सामने रखा है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, एंड फॉर दैट आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग मारिए, नंबर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, गिव हेडिंग सो दैट नाउ वी कैन फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन एंड देन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। पहले तो स्टूडेंट सो स्टूडेंट नाउ रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड सम एडिशनल कंसेप्ट रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स एंड इन विच देर आर सर्टेन थिंग्स विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू कि हमें 12th के रिलेटेड अभी आगे क्या पढ़ना है। क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव में सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, सेकेंड इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, थर्ड इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक प्रकार की टेक्निक है कि भाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमें उसमें लॉग को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और फिर डेरिवेटिव लेना पड़ता है। और भाई लॉग को इंट्रोड्यूस क्यों करने का, डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं निकलता है क्या, तो कुछ उसमें उस तरह से रिस्ट्रिक्शन हमें आते हैं कि भाई डायरेक्ट डेरिवेटिव जब नहीं निकल पाता है तो कहाँ ना कहाँ डेरिवेटिव निकालने के लिए हम उस तरह से कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें लॉग इंट्रोड्यूस होना है और फिर उसका डेरिवेटिव आसानी से निकल जाना है। तो जरूरी है कि लॉग हम इंट्रोड्यूस करके लेवे ताकि हम उसका डेरिवेटिव निकाल पाए। तो ये कुछ जरूरत होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे उस एंगल से कि भाई क्या ऐसी जरूरत हो जाती है या क्या हमारे को लिमिटेशन आ जाती है कि डायरेक्ट जिसका डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, ऐसी क्या स्पेशल सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अलग अलग नेचर के जो फंक्शन की हम बातें कर रहे हैं उसमें क्या स्पेशल बातें हैं और उसके रिलेटेड डेरिवेटिव को हम अलग ढंग से किस तरह से हम फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं। ये सब चीज हमें स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक क्लियर करनी है और फाइनली आपको पोर्शन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालने का उसके बारे में थोड़ा थियरी आपको दिया है, जिसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह के टॉपिक में। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये होता है कि जब आप पहली बार कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकलने के बाद में वापस और एक बार उसका डेरिवेटिव निकालते हो, इट बिकम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। खैर, सबकी हम बातें वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले आते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पहले तो ये जानेंगे व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। हम एक लेमैन लैंग्वेज में कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं फंक्शन हैविंग अनदर फंक्शन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हो सकता है आगे भी उसके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा और वो दूसरे के अंदर भी तीसरा। इस नेचर के फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब हो सकता है एक के अंदर दूसरा हो, बस दूसरे के अंदर और कोई फंक्शन ना हो, मतलब इतना ही हो फंक्शन हैविंग अनदर फंक्शन। अब वो अनदर फंक्शन अंदर वाला जो फंक्शन है उसके अंदर भी और एक फंक्शन हो सकता है, डिपेंड्स। मगर इस तरीके से जो फंक्शन बना है उसको हम इन जनरल
कंपोजिट फंक्शन के नेचर का गिनते हैं। अब इसका हमको डेरिवेटिव निकालना, मतलब ऐसे फंक्शन को हमें लेके पूछा रहता है कि भाई इसका डेरिवेटिव निकालो। तो कि जो फंक्शन बाहर है उसके अंदर का एक फंक्शन है, तो बाहर का फंक्शन जिसका जो हमको पहले दिखता है उसका डेरिवेटिव हमें पहले निकालना है। जब बाहर के फंक्शन का डेरिवेटिव निकल जावे तो अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव उसके बाद निकालना है। मतलब जो अंदर वाला फंक्शन है उसके डेरिवेटिव का टर्न बाद में आएगा, सबसे पहले जो बाहर का फंक्शन है उसके बारे में डेरिवेटिव के लिए सोचने का, और समझो उसके भी अंदर कोई फंक्शन है तो उसका टर्न उसके बाद आएगा। मतलब वन बाय वन जो भी फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है उसका बारी बारी से डेरिवेटिव निकालते जाना है। अब इसके पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। मैंने जिस तरह से आपसे एक्सप्लेन किया कि फंक्शन हैविंग अनदर फंक्शन, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको कैसे देखने मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन का पैटर्न एलजिब्रिक फंक्शन के केस में देखते हैं। एलजिब्रिक फंक्शन जो है हमारा x रेस टू n। अब जब भी हम कंपोजिट फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, याद रखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन बताने के लिए हम x के जगह पे f ऑफ x का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x के जगह पे किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स? f ऑफ x। तो एलजिब्रिक फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कैसे दिखेगा? तो कि x के जगह पे f ऑफ x लिख दो और ऊपर पावर में n तो है ही अपने जगह पे, समझ रहे हैं बात? f ऑफ x किसके जगह पे आया? x के जगह पे, पावर में n तो एज इट इज है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो y इज इक्वल्स टू 5x² + 9x + 3 होल रेस टू 8। भाई साहब, तो x रेस टू n जो बेसिक फॉर्म था, ये बेसिक फॉर्मेट मेरा जो था, और ये उसका आ गया कंपोजिट फॉर्म। रादर देन फंक्शन आई वुड लाइक टू से फॉर्म फॉर्मेट। वो एलजिब्रिक फंक्शन का बात तो हम निकाले हैं, लेकिन उसके अंदर बेसिक फॉर्म क्या, तो x रेस टू n, इसमें कोई कंपोजिशन नहीं दिखेगा, कंपोजिट नेचर नहीं दिखता है इसमें। बट व्हेन यू राइट f ऑफ x रेस टू n, दैट इट बिकम्स कंपोजिट फॉर्म। एग्जांपल देख लो, मतलब पूरे x के जगह पे f ऑफ x का रिप्लेसमेंट हो रहा है। भाई जी, पूरे x के जगह पे किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है? f ऑफ x का रिप्लेसमेंट हो रहा है। ऊपर के पावर का n रहना एज इट इज है। इस टाइप को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब आप सोच लीजिए कि भाई सेकेंड जो हम एलजिब्रिक के बाद कंपोजिट फंक्शन अलग अलग, जैसे एलजिब्रिक हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर हमने आगे देखा log x, ओके? अब ये तो मेरा बेसिक फॉर्म हो गया, ये तो मेरा बेसिक फॉर्म हो गया। बट इफ यू से इसका मुझे कंपोजिट फॉर्म बना के बताइए, तो इसका कंपोजिट फॉर्म क्या हो जाएगा? मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शन मार के रखा है कि x के जगह पे किसको रिप्लेस करना है, f ऑफ x। तो आप जब भी x के जगह पे f ऑफ x लिखेंगे तो ये हो जाएगा log f ऑफ x, विच इज कंपोजिट फॉर्म ऑफ log x।
which is a basic form. तो आपको आपकी आपको कोई पूछे कि log x का composite form general बताइए मुझे क्या होता है, तो आप बोलने का है log f of x. अब इसको समझने में क्या आना है आपको, क्योंकि तो बाहर एक log का function है, logarithmic function है, लेकिन उसके अंदर f of x करके और एक function है. क्योंकि तो बाहर देखें, बाहर से दिखा log, अंदर से दिख रहा है और एक function, जो भी रहेगा अंदर, मतलब ये हो गया एक function उसके अंदर दूसरा फंक्शन. ये किसके पैटर्न में मैंने कंपोजिट फॉर्म बनाया, लॉगरिथमिक फंक्शन के पैटर्न में. फिर आप आइए एक्सपोनेंशियल के नेचर के अंदर. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जब हम कंपोजिट फॉर्म को सोचते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए बेसिक फॉर्म क्या है एक्सपोनेंशियल का. तो के सबसे पहले मैं लेता हूं ए रेस टू एक्स, और उसके बाद लेता हूं e रेस टू x. ठीक है, ये दोनों जो है बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है. अच्छा, अभी ये दोनों के लिए मैं बात करता हूं इसके कंपोजिट के फॉर्मेट में हम किसको कैसे कन्वर्ट करेंगे. वापस वही रूल देखो, ऊपर मैंने लिखा है x के जगह पे हमें किसको रिप्लेस करना है, f of x, मतलब जिधर भी x है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, f of x. चलिए आइए, पहले मैं a रेस टू x के बेसिक फॉर्म का कंपोजिट फॉर्म बना के दिखाता हूं. तो के a नीचे बेस में a एज इट इज, x के जगह पे f of x, ये रहा देख लो, तो ये कंपोजिट फॉर्म हो गया उसका. अब वैसे e रेस टू x के बारे में बात करो, तो e नीचे बेस में एज इट इज, ऊपर x के जगह पे f of x, ये हो गया उसका कंपोजिट फंक्शन का पैटर्न. अच्छा, एग्जांपल की बात करो तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं. समझ लो y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू, हम a रेस टू के जगह पे, a के जगह पे कुछ नंबर लेते हैं. a आपको मालूम है ना, a कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट है, दैट मींस 5 रेस टू, तो क्या 2x क्यूब माइनस 6x प्लस 9, खत्म हो गई बात. ये ऊपर पूरा फंक्शन दिख रहा है आपको 5 के पावर में, 5 किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, हम a के लिए रिलेट कर रहे हैं. सो a रेस टू f ऑफ x, a के पावर में पूरा फंक्शन है, तो a जो है वो 5 है. उसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल हम e के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं, y इज इक्वल्स टू, अच्छा e इज अ पर्टिकुलर कांस्टेंट, तो e के जगह पे कोई रिप्लेस कुछ होने वाला नहीं है, सो e विल रिमेन एज इट इज, e ओनली इन द पावर. जो f ऑफ x के जगह पे हमें लिखना है वो एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. तो ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है कंपोजिट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो कंपोजिट फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है. और आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि उसी आइडेंटिफिकेशन के आधार पे फिर आपको सोचना है उसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा. अब तक मैं डेरिवेटिव की बात पे आया ही नहीं हूं, डेरिवेटिव के बाद पे मैं अभी तक आया ही नहीं हूं. अब तक पहले तो हम ये कंपोजिट फॉर्म, या बोलो आप कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें, उसके ऊपर थोड़ा हमें कंसंट्रेट करना है. एंड व्हेन यू कैन प्रॉपरली रिकॉग्नाइज दैट, यू कैन इजीली गो फॉर द डेरिवेटिव. अब मेरे डेरिवेटिव चर्चा पे आता हूँ, क्योंकि कंपोजिट फॉर्म मेरे यहाँ खत्म हो गए, क्योंकि जितने भी बेसिक फॉर्म में खास करके एलजीब्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ये तीन टाइप के जो बेसिक फंक्शन है बेसिक फॉर्म, उसके ही कंपोजिट फॉर्म आपको देखने मिलेंगे. और दूसरी बात आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानने के लिए, ये बेस में कांस्टेंट है ये तो आपको पता ही है, तो वो एक्सपोनेंशियल के नेचर का हो गया. अच्छा, अदर एलजीब्रिक फंक्शन में कि जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल लेके बताए थे, जैसे कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स है, तो है तो ये रूट एक्स एलजीब्रिक नेचर का, हमने खाली अलग से उसका डेरिवेटिव लिखा था, याद करो.
इसके लिए भी मैं कंपोजिट फॉर्म तैयार कर सकता हूं, जैसे कि y इज इक्वल्स टू रूट एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये रूट एफ ऑफ एक्स, खत्म हो गई बात। अच्छा, ये उसका हो गया बेसिक फॉर्म और ये हो गया इसका कंपोजिट फॉर्म। आर यू गेटिंग? और तो और हम साथ में जो है और एल्जिब्रिक फंक्शन के जो हमने उदाहरण देखे थे कि जिसके अंदर वन अपॉन एक्स था, देखो ये बेसिक था, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। ये भी कंपोजिट फॉर्म में आ सकता है, खाली एक्स को रिप्लेस किसके साथ करना है हमें, एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट मैं एक टेबल बनाता हूं, बेसिक फॉर्म और कंपोजिट फॉर्म, और आप मुझे प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें कि भाई ये मैं कौन से फॉर्म को बराबर से लिख रहा हूं। आपको समझ में आना चाहिए, समझ लीजिए एक्स रेस टू एन है तो ये मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स होल रेस टू एन, दूसरा ये एलजीब्रिक एक आ गया, सब आ गया उसमें, मगर मैं उसका उदाहरण भी लिखूंगा, चाहे तो आप उसके एग्जाम्पल को भी बराबर से फॉलो करके ले लो। जैसे कि रूट एक्स लिखा हूं तो मुझे लिखना है रूट एफ ऑफ एक्स, जस्ट रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। थर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, मे बी यू कैन से वन अपॉन एक्स को भी लिखना है तो लिख लो, दैट इज वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, बाकी ये एक्स रेस टू एन में ये सब इंक्लूड हो जाता है। फोर्थ मतलब ये दोनों नेचर एलजीब्रिक के ही है, वो आप समझ सकते हैं, ये नहीं भी लिखे तो आपको मालूम पड़ा, लेकिन रूट एक्स जरूरी है, रूट एक्स का ज्यादा करके आपको उसके पैटर्न में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फोर्थ आई एम गोइंग फॉर लॉगरिथमिक, समझो बेसिक फॉर्म है लॉग एक्स का तो उसका कंपोजिट फॉर्म है लॉग एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल के अंदर, एक्सपोनेंशियल के अंदर ए रेस टू एक्स जो बेसिक फॉर्म है उसका कंपोजिट फॉर्म आता है ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, और सिक्स्थ जो है ई रेस टू एक्स उसके हिसाब से आता है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स दिस इज व्हाट टोटल मैंने बेसिक फॉर्म और कंपोजिट फॉर्म को आपके सामने हाईलाइट किया है। अब मैं डेरिवेटिव को और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने डेरिवेटिव का डिस्कशन लिया नहीं है, डेरिवेटिव कैसे निकालने का उसके बाद पे तो भी आना मुझे बाकी है। ये जितने भी बेसिक फॉर्म है उसके तो सभी के हमने डेरिवेटिव 11th में ही देख लिया है, फिर भी मैंने रिवीजन में लिया है, और इसके साथ साथ अब ये जो कंपोजिट फॉर्म को अभी हमने देख लिया हुआ है, दैट कंपोजिट फॉर्म दैट इज ऑल्सो, उसके बारे में भी डेरिवेटिव की चर्चा डिटेल में मैं करूंगा। और आपको एक नियम मैं बता दूंगा, उसके आधार पे आप हर एक कंपोजिट फॉर्म के लिए उस पैटर्न से डेरिवेटिव कैसे निकालना वो आप खुद भी सोच सकेंगे। सो वेरी फर्स्ट मैं यहाँ आपको टेबल के माध्यम से ही आपको कंपोजिट फॉर्म और उसका डेरिवेटिव किस तरह से हम निकालेंगे डेरिवेटिव, उसका मैं पूरा टेबुलर फॉर्मेट में ही बता देता हूँ, ताकि यू विल इजीली कंपेयर। चलिए कंपोजिट फॉर्म और उसका यहां मैं लिख रहा हूं डेरिवेटिव, खास करके मुझे बोलना चाहिए यहाँ जो भी मैं फंक्शन लिख रहा हूँ तो वाई है, या तो आप मान के चले एफ ऑफ एक्स, और जो भी मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ वो आप मान के चले ये है हमारे लिए डी वाई बाई डी एक्स। ये तो नोटेशन की हुई बात, अभी आपको सबको पता है, समझ लो। सबसे पहले मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू x की जगह पे f ऑफ x
होल रेस टू एन, मतलब ये हो गया एलजीब्रिक फंक्शन का कंपोजिट फॉर्म, एलजीब्रिक फंक्शन का कंपोजिट फॉर्म। तो मैंने स्टूडेंट स्टार्टिंग में भी ये बात पूरा आपके सामने रखा कि जब आप ये कंपोजिट फॉर्मेट के बेसिस पे डेरिवेटिव निकालते हो तो सबसे पहले जो बाहर है उसका डेरिवेटिव निकलेगा, मतलब आपको पहले बाहर कौन दिखता है, एफ ऑफ एक्स दिखता है या एन दिखता है, तो क्या पूरे ब्रैकेट के पावर में बाहर तो एन दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको आप डेरिवेटिव जो निकालोगे उस इस हिसाब से निकालोगे, एन नीचे आएगा, एफ ऑफ एक्स के पावर में एन माइनस वन हो जाएगा, और फिर आपका जो अंदर का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका टर्न आएगा डेरिवेटिव निकालने के लिए, इसकी जगह मैंने लिखा है एफ डैश एक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स मतलब उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज व्हाट पर्टिकुलरली दिस इज आई हैव शोन एज अ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फॉर्म इन द नेचर ऑफ एलजीब्रिक। नाउ इंपॉर्टेंटली वी नीड टू कंसिडर नेक्स्ट पैटर्न जो है रूट एफ ऑफ एक्स। क्या नेचर का है फंक्शन आपके सामने मैंने रखा है? रूट एफ ऑफ एक्स। तो क्या रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव में पहले तो मैं आपको पूछूं, स्क्वेयर रूट बाहर दिखता है पहले मुझे, फिर उसके अंदर एफ ऑफ एक्स बाद में दिखता है। सो बाहर से जो दिख रहा है स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट के हिसाब से रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? वन अपॉन टू रूट एक्स। तो उसी तरह से रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स, और साथ में अंदर जो अभी आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो आएगा मल्टीप्लीकेशन में एफ डैश एक्स। तो बाहर के फंक्शन का डेरिवेटिव जो आप पहले निकाल रहे हो, फिर अंदर का, और उसके अंदर हो समझो हो तो उसके और अंदर का बाद में एक के बाद एक मल्टीप्लीकेशन करते करते निकालते रहना है वन आफ्टर अनदर। मगर अंदर कितने और हैं वो तो तुमको मालूम होना चाहिए, वो आप कंपोजिट फंक्शन देखोगे तो आपको अपने को अंदाजा आना चाहिए कि भाई हाँ बाहर ये फंक्शन है उसके अंदर एक ही है, उसके अंदर और भी एक है क्या, वो आपको आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आपको क्वेश्चन में देख के फंक्शन को देख के मालूम होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। तो एक फंक्शन अंदर है उसके अंदर भी और दूसरा है, तो हम आगे 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 उसके अंदर के वाले उसके अंदर वाले उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालते जाना है धीरे धीरे करके अंदर के लास्ट फंक्शन तक, उसकी जड़ तक जाना है, और जितने भी फंक्शन के अंदर फंक्शन है सबके हमें बारी बारी से डेरिवेटिव निकालते जाना है। सो पहले बाहर कौन दिखा? रूट, रूट मतलब रूट एफ ऑफ एक्स, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स, जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता था वन अपॉन टू रूट एक्स, वैसे रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स। और एक बार बाहर का रूट का डेरिवेटिव निकल गया, फिर अंदर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज एफ डैश एक्स। और जो भी अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते जाते हो वो नेक्स्ट 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 आते जाएगा मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट मैं ले रहा हूं वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का पैटर्न जो है, जैसे वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव था माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वैसे ही ये जो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज गोइंग टू बी वन माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और एक बार आपने ये अपॉन के पैटर्न में है इसलिए उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव अलग से निकालना जरूरी है, दैट इज एफ डैश एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ये हो गया एलजीब्रिक के कुछ केसेस। नेक्स्ट मैं ऊपर जितने लिखे हैं उसको मैं वन बाय वन लेते जा रहा हूं। फोर्थ है लॉग एक्स, तो हमारा कंपोजिट फॉर्म था लॉग एफ ऑफ एक्स,
समझ लो हमें फंक्शन कंपोजिट फंक्शन मिला है लॉग एफ ऑफ एक्स के हिसाब से। बेसिक फॉर्म क्या था उसका? लॉग एक्स। बेसिक फॉर्म क्या था उसका? लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? वन अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था? वन अपॉन एक्स। तो लॉग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। और साथ में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो के एफ डैश एक्स अलग से मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में आएगा। अंदर के फंक्शन को भूलना नहीं है, बाहर का फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो अंदर का बाद में निकलने का है ही ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। देन कमिंग टू द नेक्स्ट फिफ्थ वन, दैट इज ए रेस टू एक्स के हिसाब से ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का हिसाब हम देखेंगे। तो क्योंकि पहले तो मुझे ये बताइए ए रेस टू एक्स जो बेसिक फॉर्म है उसका उसका डेरिवेटिव क्या होता था? क्योंकि ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, तो वैसे ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए, इंटू लॉग ए। और साथ में अब आप समझ लेना कि ऊपर के फंक्शन का तो डेरिवेटिव निकालना बाकी है, तो एफ ऑफ एक्स का भी अलग से डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में एफ डैश एक्स करके खड़ा रहेगा। यस और नो स्टूडेंट्स, समझ में आया? आई रिपीट, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स जैसे ए रेस टू एक्स वैसे ए रेस टू एफ ऑफ एक्स। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो अब यहाँ ए रेस टू एफ ऑफ एक्स है तो उसका भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। लेकिन ऊपर एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स है पावर में, तो एफ ऑफ एक्स का वापस से अलग से डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में बनता है, दैट इज रिटन हियर सी इन द डेरिवेटिव। सिमिलर टू दिस सिक्स्थ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्सपोनेंशियल की कैटेगरी का ई रेस टू एक्स के हिसाब से ई रेस टू एफ ऑफ एक्स बनेगा। बेसिक फॉर्म क्या है? ई रेस टू एक्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंपोजिट के नेचर का ई रेस टू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो जैसे ई रेस टू एक्स बेसिक फॉर्म होता था उसके लिए डेरिवेटिव क्या होता था? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहता था। वैसे ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स रहेगा, बल्कि ऊपर के फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव बनता है, दैट इज गोइंग टू बी एफ डैश एक्स। खत्म हो गई बात, क्योंकि इसके अंदर ए रेस टू एक्स के जैसा अलग से मैंने बताया था लॉग ही हो सकता है, लेकिन लॉग ही तो वन होता है, लॉग ही तो वन होता है और उसके कारण वो हम लिखते नहीं है। तो ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। दिस वे स्टूडेंट्स, ये जो छह कंपोजिट फॉर्म का मैंने जो चर्चा आपसे किया है, जो कंपोजिट फॉर्म है, जितने भी बेसिक फॉर्म है उसके सभी के कंपोजिट फॉर्म है, ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। और सभी का मैंने डेरिवेटिव आपके सामने यहाँ मेंशन किया है, कैसे हम डेरिवेटिव निकालने का मैंने एक कॉमन लैंग्वेज का उपयोग करके आपसे डिस्कशन रखा कि जिसमें खास करके मैंने सबसे पहले आपको एक जनरल जिसको बोलते हैं कि लैंग्वेज में मैंने आपके सामने डेरिवेटिव कंपोजिट फॉर्म का कैसे लेने का, पहले बाहर का फंक्शन का, उसके बाद अंदर के फंक्शन का, उसके बाद और उसके अंदर है तो उसके लेने आपको डेरिवेटिव लेने का, और ऐसे अंदर 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 आपको आगे बढ़ते रहने का है। ज़्यादा कंपोजिशन नहीं रहते हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और शायद हो तो तीसरे के अंदर चौथा, बाकी और एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ज़्यादा ऐसा होता नहीं है। सो वन बाय वन वी हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग डेरिवेटिव वन बाय वन। ज़्यादा घाई करने का नहीं, पहले बाहर का निकालने का है, उसके बाद अंदर का निकालने का नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद उसका अंदर है तो उसको भी उसके बाद वाले स्टेप में निकालने का, एक के बाद एक सबका डेरिवेटिव एक साथ निकालने के लिए सोचने का नहीं स्टूडेंट्स, वन बाय वन। नहीं तो वो मिस्टेक होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कहाँ ना कहाँ उसके कारण वो गड़बड़ हो जाता है पूरे लास्ट के आंसर के लिए। तो ये प्रोसेस कैसे करने का मैं एग्जाम्पल लूंगा, मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करूंगा, और एग्जाम्पल के बारे में मैं जब बात करता हूं तो आई विल स्टार्ट एग्जाम्पल्स, और मैं रैंडमली एग्जाम्पल लूंगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जरूरी है, आपको ये समझ में आना चाहिए
ये कौन से नेचर का है। मैंने जो ऑर्डर से मैंने एक 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 फंक्शन के टाइप के हिसाब से मैंने डिस्कशन रखा है, यू कांट एक्सपेक्ट कि मैं वही ऑर्डर में जाऊंगा। मैं कोई भी क्वेश्चन कोई भी टाइप के फंक्शन का मैं ले लूँ, इसलिए भी जरूरी है कि आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी होना चाहिए, एक ऑप्शन मिलता है मैं कैसे भी रैंडमली लूँ। चलिए पहले एग्जाम्पल की मैं चर्चा करूँ। समझो आपको दिया है क्वेश्चन, ध्यान रखें अभी मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, दिस वे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। मैं कुछ भी रेंडमली आपके सामने क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, दिस में भी एडिशनल क्वेश्चन फॉर यू पीपल। सो आई एम राइटिंग हियर वाई इज इक्वल्स टू 5x³ प्लस 9x² माइनस 3x प्लस 5 होल रेस टू सिक्स। ये कौन से फॉर्मेट में है, f(x)n। तो ये है तो एलजीब्रिक है, ये एलजीब्रिक फंक्शन के बारे में है और ये कंपोजिट नेचर का है। अब हम जब इसको देखते हैं तो पहले ऊपर पावर 6 पूरे के हैं वो बाहर से पहले मुझे दिखता है। सो जब भी मैं डेरिवेटिव लेऊंगा आई विल राइट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आई विल राइट dy/dx। तो सबसे पहले f(x)n जो n है पावर में वो नीचे आएगा, 6 और पूरे f(x) 5x³ प्लस 9x² माइनस 3x प्लस 5, ये पूरा जो f(x) है उसके पावर में 6 माइनस 1 होके 5 हो जाएगा, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब जो ये अंदर का फंक्शन है वो उसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे हम। तो मैं देखो किस तरह से लिख रहा हूँ, पहले ये पूरा जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है वो पूरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा, उसके बाद d/dx, उसके पहले मैंने d/dx जो लिखा है वो शो करता है कि अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। मैंने डेरिवेटिव निकाला नहीं है, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेने वाला हूँ। d/dx शुरुआत में लिखा ना ब्रैकेट के, उसका मीनिंग क्या बनता है कि ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकलने जा रहा है, वो भी नेक्स्ट स्टेप में निकलेगा, ये मैंने इंटीमेशन दे दिया है। क्योंकि बाहर का फंक्शन जो था पावर 6 उसका तो डेरिवेटिव निकल चुका ये रहा, मगर उसके अंदर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालने के बारे में मेरी बात चल रही है और निकालूंगा मैं, दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में। सो जिसका डेरिवेटिव निकल गया है वो एज इट इज 6 इनटू दिस 5x³ प्लस 9x² माइनस 3x प्लस 5 होल रेस टू 5 एज इट इज, क्योंकि उसका ऑलरेडी डेरिवेटिव निकल चुका है, ऑलरेडी डेरिवेटिव निकल चुका है। और रही बात नेक्स्ट ब्रैकेट में जिसका डेरिवेटिव अभी निकालना है, उसमें मेरे पास जो पूरा ब्रैकेट है उसके अंदर एक 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 टर्म है, जैसे पहला है 5x³। चलो पहले 5x³ के बारे में बात करो, 5x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि 5 कोएफिशिएंट में है, कोएफिशिएंट x³ का है वो एज इट इज रहेगा 5, x³ में 3 है वो नीचे आएगा, 3 जैसे नीचे आएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3 = 15, और x के पावर में जो 3 है उसमें एक कम हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर, हो गया डेरिवेटिव खत्म। ये 11th की बात हो गई, एक 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 छोटी छोटी बात जो डेरिवेटिव निकालने वाली, ये इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं गया, इसलिए तो मैंने बेसिक वापस रिपीट किया ताकि ये सब डेरिवेटिव का मामला आपको वापस से रिवाइज हो जाए। तो अब इस आगे के कंसेप्ट में जब ये छोटी छोटी बातें जब आपके सामने आ रही है उसको आप बराबर से एग्जीक्यूट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आपका कंसेप्ट। नेक्स्ट प्लस 9x² 9 कोएफिशिएंट x² का एज इट इज रहेगा, ऊपर से 2 नीचे आएगा, 9 × 2 = 18 18x² स्क्वायर है ना, ऊपर 2 में से एक माइनस हो जाएगा 1 बचेगा, पावर में 1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस 3x एक्स के पावर में 1 है, 1 नीचे आएगा, 3 × 1 = 1 होएगा, एक्स के पावर में 1 था, 1 − 1 = 0 हो जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0 = 1। तो 3x का डायरेक्ट डेरिवेटिव बोलने का, जैसे x का था मैंने x का लिखा है तो x का खाली रहेगा तो 1 आता है डेरिवेटिव, क्योंकि x मतलब 1x होता है, 1 लिखते थोड़ी ना है, तो यहाँ तो 3x है। अच्छा बाजू में साइन को रेफर करो बराबर से, उसके पहले जो दिया है तो 3 − 3x, तो −3x का डेरिवेटिव ओनली −3, खाली 3x बोल रहा हूँ वो भी ठीक है, माइनस मैंने पहले से लिख लिया था इसलिए, और यू कैन रेफर कंप्लीटली अलॉन्ग विद द साइन,
माइनस थ्री एक्स, और लास्ट का प्लस फाइव वो तो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। ये हो गया तुम्हारा आंसर, बस खाली ध्यान रखना है आंसर अपने आप रिफ्लेक्ट होना है। हाँ टेक्निकली कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा लॉजिक लगाने का, और लॉजिक तो सबके दिमाग में होता ही है स्टूडेंट्स, खाली कमी ये होती है कि हमारा हम अटेंशन नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमारा वो दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन दिमाग काम क्यों नहीं करे, सबको दिमाग सेम मिला है, उपयोगिता नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, यूटिलाइज इट इन प्रॉपर मैनर सो एज यू कैन ऑल्सो यूज इट प्रॉपरली। ध्यान से सब लिखते जाना, मेहरबानी करके ये कोई भी चीज को मिस नहीं करना, क्योंकि थ्योरी जो आपको मिलेगी वो ही एक आपके लिए अच्छा बेस जनरेट करेगा। अभी एग्जांपल को बाद में टेक्स्ट बुक में से लेना ही है हमको, बाद में अपने को एग्जांपल से कोई लेना देना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि वो फिर मालूम पड़ता ही है अपने को। मेन बात जो है ये बेसिक, उसको आप प्रॉपरली दिमाग में उतारिए। एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं, ये मैं ब्रैकेट में कुछ भी लिखने वाला हूँ भाई, और ये मैं आपको दे दिया हूँ भाई, लो मैं कुछ भी लिखने वाला हूँ। log x प्लस 8x स्क्वायर माइनस e रेस टू x प्लस 9। लो मैंने ब्रैकेट में कुछ भी भरा मसाला, हाँ ब्रैकेट के ऊपर पावर में क्या दिखता है, फाइव। अरे भाई वो मेन है फंक्शन के अंदर, फंक्शन तो बाहर कौन दिखता है, पहले पूरे ब्रैकेट के रेस्ट टू में फाइव दिखता है। तो पहले हम जब डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स जब हम फाइंड आउट करने शुरू करेंगे, सबसे पहले पांच पावर में से नीचे आएगा फाइव, नीचे आ गया अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है वो एज इट इज, और पावर में फाइव माइनस वन होके वो फोर हो जाएगा, और फिर अलग से डेरिवेटिव निकालने का अंदर के फंक्शन का, जिसमें है लॉग एक्स प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस टू एक्स प्लस 9, खत्म हो गई बात। और अब हम जिसका डेरिवेटिव निकल चुका है उसको तो एज इट इज रिपीट करके लिखना ही है, ये देख लो भाई। और अब बारी है ये ब्रैकेट के लिए डेरिवेटिव निकालना, उसमें भी पहला टर्म कौन सा है, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स, एट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 16 एक्स, टू नीचे आएगा ना, 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 एक्स, और 2 माइनस 1 1 1 तो लिखते नहीं पावर में, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई रेस टू एक्स, माइनस तो अपने जगह पे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, और प्लस 9 का जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया आंसर। स्टूडेंट्स एलजीब्रिक फंक्शन चल रहा है, कंपोजिट फॉर्म चल रहा है, और इसके साथ मैं तीसरा एग्जांपल जो ले रहा हूँ, अब मैं वैरायटी की ओर आगे बढ़ता हूँ। जो मैंने ये देख लीजिए, ये एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव का एग्जांपल कंप्लीट कर लिया। मैं ये टेबल पे इसलिए घूम फिर के आ रहा हूँ, बिकॉज यही हमारा पूरा फाइनल स्ट्रक्चर, जो मैंने ये समरी है, जो ये पूरा का पूरा हमको एक 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 का एग्जाम्पल लेते हुए कम्प्लीट करना है, ताकि एक एक टाइप वाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई दूसरा मैंने जो लिखा हुआ है वो भी एलजीब्रिक नेचर का ही हुआ है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर रूट पे आ रहा है डिपेंड करते हुए, तो मैं रूट के लिए अलग ही बात करूंगा, जो दोनों एलजीब्रिक नेचर के बेसिस पे बात रखूंगा मैं, लेकिन उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमने निकाल के लिया हुआ है, तो उसके आधार पे एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ अंडर रूट,
के अंदर और एक फंक्शन भर दो, 5x² - 3x + 9। भाई जी बाहर से देखो स्क्वायर रूट दिखता है पहले, फिर उसके अंदर देखो तो ये ब्रैकेट दिखता है। बाहर जो देखता है पहले उसका डेरिवेटिव, फिर उसके अंदर का। जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू रूट एफ ऑफ एक्स। इसको बेसिकली बोलना किस तरीका से है, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो तो आप पढ़ लोगे, लेकिन इसका नेचर किस तरह का हो गया, रूट एफ ऑफ एक्स। क्या बोलने का, रूट एफ ऑफ एक्स। तो भाई जी दिस विल बी 1/2√f(x) और एफ ऑफ एक्स की जगह पे है 5x² - 3x + 9। और फिर भाई जी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अलग से किसका निकलेगा, उसके अंदर जो है रूट के अंदर क्या है, 5x² - 3x + 9 ये है। तो पहले बाहर का जो रूट है उसका 1/2√x के हिसाब से यहाँ था रूट एफ ऑफ एक्स, तो हो गया 1/2√f(x) और फिर अलग से डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का। अब देखो जो रूट का है उसका तो डेरिवेटिव निकल चुका है, उसको तो मुझे एज इट इज लिख के खाली रखना है। और डेरिवेटिव जो निकाल रहे हैं हम इसके लिए ब्रैकेट में जो है उसके अंदर पहला टर्म है 5x², 5x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 2 नीचे आएगा 10x माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 9 का तो 0 हो जाएगा भाई, कांस्टेंट है ना अकेला। अब ये 10x माइनस 3 पूरा ब्रैकेट जो आया वो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, आप चाहो तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट जो है ना उसको न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, लेकिन उसको हम लिखने के लिए न्यूमरेटर में छोड़ सकते हैं 10x - 3/2√5x² - 3x + 9 खत्म हो गई बात, आंसर आ गया। ऐसे तो सेकेंड लास्ट स्टेप में आंसर आ चुका था, लेकिन खाली इसको मैंने थोड़ा सजावट के साथ लिखा है, जैसे हम सिस्टमेटिक समझते हैं उसको लिखना, दैट वे आई हैव रिप्रेजेंटेड। स्टूडेंट्स ये हो गया रूट एफ ऑफ एक्स के नेचर का एग्जांपल, और अब आपको नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं 1/f(x) के बेसिस पे जो बात करते हैं हम, तो उसका भी एक आपको मैं एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल नंबर 4th के और आगे बढ़ते हैं। सपोज y = आपको दिया है 1/2x - 3 ओके whole raised to 5। तो इसका एग्जैक्टली आपको डेरिवेटिव जो निकालने के लिए है, तो मैंने जो मेथड से आपको मतलब ये जो रूल बना के लिया हुआ है क्या है, 1/f(x) का डेरिवेटिव आपको लेना हो तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/f(x)² (f'(x) ऐसा मामला बनता है। तो बस ये हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं समझो, तो क्या आपको आंसर मिलना चाहिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले वन अपॉन यहां पे मैंने पावर में जानबूझ के 5 दिया है, आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में वो पावर में पूरे के जो 5 दिया है उसको जो डिनोमिनेटर में है, ये है मेरा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर को आप ऊपर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3 whole raised to -5। अब आप सोच लीजिए ये तो हो गया f(x)(n), अब f(x)(n) के मामले में आपको मालूम है कि डिफरेंशिएट कैसे करने का, तो अभी मैंने फिलहाल ये डिफरेंशिएट नहीं करना है, मैंने ये जस्ट आपको कन्वर्ट करके बताया। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि अब ये किसके फॉर्मेट में आ गया, तो कि ये अब आ गया f(x)(n) के फॉर्मेट में आ गया,
एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट जब हम करेंगे डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस फाइव पहले नीचे आएगा टू एक्स माइनस थ्री ऊपर एक कम हो जाएगा फोर पावर में आ जाएगा और इनटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स माइनस थ्री अलग से हमको उसका डेरिवेटिव लेना है जिसका डेरिवेटिव आ चुका है टू एक्स माइनस थ्री होल रेस टू फोर इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स माइनस थ्री क्या आ जाएगा क्योंकि टू एक्स का टू और माइनस थ्री का तो जीरो हो जाएगा। अब ये टू जो है वो ये कांस्टेंट माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टेन इंटू टू एक्स माइनस थ्री होल रेस टू फोर। दिस इज वॉट आफ्टर कन्वर्टिंग दैट गिवन एफ ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर वी हैव ऑब्टेन इट्स डेरिवेटिव।